मुख्यमंत्री ने शुल्क जांच योजना कार्मिक संघ और विभिन्न संगठनों द्वारा विधानसभा सभा के सामने ज्योति नगर टी पॉइंट पर धरना दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती नहीं की जा रही है। वर्ष 2013 में लैब सहायक के 2348 पद स्वीकृत किए गए थे, वर्तमान में 1727 पद रिक्त पड़े हैं। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन देने की बात कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वसुंधरा सरकार द्वारा सुराज संकल्प यात्रा में किए गए वादे को पूरा नहीं कर पा रही। फोटोग्राफर भी सभी भैया तो अब हमको तो बुलाया, इसीलिए गया था सबको फोन कर करके कि भाई रेडियोग्राफर भी आओ, सविता साहब रेडियोग्राफर भी आओ, एलए भी आओ, सबको यहाँ के लिए कोविड के वो समय आपके माध्यम से कोविड इतना बड़ा हुआ है। लेकिन राजीव गांधी का ऐसा कोई कुछ नहीं, कार्यकर्ता अपने हमने सरकार से जो मांग रखी है 1534 प्रयोगशाला पदों पर भर्ती कराने हेतु इसके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में, और हम इसकी जो मांग है पिछले 4 साल से लगातार कर रहे हैं, मगर सरकार ने हमने 4 साल से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। हमने धरने भी किए, प्रदर्शन भी किया, रैली भी निकाली, मगर सरकार को फिर भी जू नहीं रहेंगी। हमने आज राजस्थान स्तर पर ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया है ताकि हम लोगों की जो मांग है वो सरकार सुन सके, सरकार तक हमारी बात पहुंचा सके। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना संघ के जो कार्मिक लगे हुए हैं उन सबको आज 6000 में गुजारा करना पड़ रहा है। सभी इतने मजबूर हैं कि गरीबी से भी नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन सभी कार्मिकों के लिए, उन सभी कार्मिकों को आज न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और सरकार जैसा हमें जो भी सहयोग देती है तो ठीक है, नहीं देती तो हम आगामी रणनीति के ऊपर गौर करेंगे। आज जो बजट पेश किया गया है किस प्रकार से मान रहा है, क्या मान रहा है? अभी तक बजट की तो हमें कोई जानकारी अभी तक मिली नहीं है, तो अतः बजट के बारे में कोई जानकारी बात भी नहीं कर सकते इस संदर्भ में कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। नाम गोविंद नारायण सोनी, प्रदेश अध्यक्ष एमएनजेवाई राजस्थान।